आज बात करने वाले हैं कि कैसे किलर्स को लूप करवाएं डीवीडी मोबाइल पे, क्योंकि बहुत सारे लोग समय पर खेलते हैं और किलर को लूप नहीं करवा पाते हैं। इसी वजह से यार जल्दी आके पिल जाते हैं। देखो भाई, अगर तुम किलर को लूप नहीं करवा पाओगे ना, तो इजीली किलर तुमको किसी भी चेस पे डाउन कर देता है। इसीलिए किलर्स को लूप करवाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल अभी बात करते हैं कि कैसे किलर्स को लूप करवाएं। अब देखो भाई, किलर्स को लूप करवाने के लिए ना सबसे पहला जो चीज़ आप लोगों को जानना चाहिए वो है मैप नॉलेज। अब देखो, तुम अगर किलर को लूप करवाना चाहते हो तो तुमको हर एक विंडोज़ और पैलेट्स का लोकेशन जानना पड़ेगा, तभी जाके तुम वहाँ पे किलर को ले जाके लूप करवा पाओगे। और लोकेशन अच्छे से जानने के लिए तुमको इस गेम को थोड़ा सा खेलना पड़ेगा, तुमको हर एक मैप्स खेलने पड़ेंगे, तभी जाके तुम इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ पाओगे। और उसके साथ साथ तुम विंडोज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी जो पर्क आता है केट का, इस पर्क को भी यूज़ कर सकते हो, जिससे कि तुमको बहुत ही बढ़िया बेनिफिट होने वाला है। ओके, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। देखो भाई, मैप नॉलेज जो रहता है ना, ये तुम खेल खेल के भी समझ जाओगे, ये प्रॉपरली एक्सपीरियंस आता है, तुम जितना गेम खेलोगे उतना ही समझोगे। लेकिन जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहते हैं ना, ये समझने के लिए तुमको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब देखो, जब भी तुम किलर को लूप करवा रहे हो ना, तो तुमको इन पांच चीज़ों को ध्यान देना है। ये पांच चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी किलर को लूप करवाने के लिए। देखो, अगर तुम गेम के स्टार्टिंग से ही किलर को लूप करवाना चाहते हो, तो किलर को अपने पास बुलाना पड़ेगा, और बुलाने के बाद तुमको ये एक ऐसा लूप ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा लूप लोकेशन ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे तुम किलर को इजीली कुछ टाइम के लिए लूप करवा सको, और वो वाला लूप ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया होना चाहिए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पैलेट्स को कैसे यूज़ करें। देखो भाई, अगर तुम लोग किलर को लूप करवा रहे हो तो पैलेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं बताता हूँ कैसे। अगर तुम लोग किसी भी किलर को लूप करवा रहे हो और पैलेट्स को स्टार्टिंग में ही ड्रॉप कर दोगे, तो यार तुम्हारे लिए वो वाला लूप का लोकेशन पे कोई भी कवर नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर एंड टाइम पे किलर तुमको कोई भी हिट मारने जाए, तब तुम उस पैलेट को अपने बेनिफिट पे यूज़ नहीं कर पाओगे। इसी वजह से हमेशा पैलेट को फेक करने का ट्राई करो, और जब लगे कि एक्चुअली इस टाइम तुमको किलर मारने वाला है, तभी उस पैलेट को यूज़ किया करो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो, अगर तुम किलर को लूप करवा रहे हो तो तुमको ये चीज़ याद रखना चाहिए कि तुम्हारे सर्वाइवर पे कौन से पर्क अच्छे रहेंगे एक किलर को लूप करवाने के लिए। इसी वजह से तुमको पर्क नॉलेज रखना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से तुमको पर्क नॉलेज जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पर्क तुम अपने हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें दो पर्क रिकमेंड करना चाहता हूँ किलर को लूप करवाने के लिए। पहला वाला है रिसाइलेंस। रिसाइलेंस यूज़ करोगे तो तुमको 9% स्पीड बोनस मिल जाता है, जिससे कि तुम जल्दी जल्दी वॉल्ट कर पाओगे और किलर को ईजिली लूप करवा पाओगे। दूसरा, विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी। विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी यूज़ करने से तुमको जितने भी वॉल्ट लोकेशन और पैलेट्स के लोकेशन वो तुमको दिखाया जाएगा, जिससे कि तुम इजीली किसी भी किलर को लूप करवा सको। और इसके साथ तुम एग्जॉशन पर्क भी यूज कर सकते हो, जैसे कि लाइट या फिर डेड हार्ट, जिससे कि तुमको अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और देखो, ये वाला पॉइंट अगर तुम मिस कर रहे हो ना, तो तुम्हारे लिए किलर को लूप करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाला है। क्योंकि इस पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूँ माइंड गेम के बारे में। किसी भी किलर को लूप करने के लिए माइंड गेम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, ये माइंड गेम क्या होता है, मैं तुम्हें ये इजी वे में समझाता हूँ। अगर तुम एक जगह पे बार बार किलर को लूप करवा रहे हो, तो एक टाइम पे जाके सामने वाला किलर को पता चल जाएगा कि कैसे उस लोकेशन पे तुम्हें वो डाउन कर सकता है। और इसीलिए तुमको अपने लूप लोकेशन बार बार चेंज करते रहना है, जिससे कि किलर तुम्हारा प्ले स्टाइल और तुम्हारे मूवमेंट्स प्रिडिक्ट ना कर पाए। वैसे कब एक नया लूप को पकड़ना है और कब एक लूप को एंड करना है, ये समझने के लिए तुमको काफ़ी ज़्यादा मैचेस खेलने पड़ेंगे, क्योंकि ये प्रॉपरली एक्सपीरियंस से तुमको पता चलेगा। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट पे। तुमको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अगर तुम किसी भी किलर को चेस करवाते करवाते पैनिक हो जाते हो, तो तुम वहाँ पे गलती करोगे, और अगर तुम किसी भी लूप पे गलती करते हो, तो वहाँ पे तुम इजीली डाउन हो सकते हो। इसी वजह से डरना नहीं है। वो कहावत तो आपने सुना ही होगा, जो डर गया वो मर गया। तो मेरे हिसाब से अगर तुम इन सारे टिप्स को फॉलो करोगे, तो तुम्हारे लिए किलर को लूप करवाना बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है। और अभी बात करते हैं उन प्लेयर्स के लिए जो स्टार्टिंग में लूप करवाना चाहते हैं या फिर इस गेम पे नए नए आए हैं। फिलहाल लूप करवाने से पहले एक चीज़ याद रख लो, अगर तुम स्टार्टिंग में लूप करवाने का ट्राई करोगे, तो तुम बहुत बार हारोगे, बहुत बार तुमको किलर फेस स्कैम करके मार देगा। ये मेरे साथ भी हो चुका है, और आई एम श्योर तुम लोगों के साथ भी हो सकता है। इसीलिए पहले ही बता दूं, यार हार मत मानना, ट्राई करते रहना, ज़रूर सीख जाओगे। ये कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको सीख नहीं सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बस प्रैक्टिस लगता है, जिससे कि आप अच्छा खासा लूप करवा सकते हो।
सको। वैसे इसी टॉपिक पे मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है और उस वीडियो को भी जाकर तुम लोग देख सकते हो, क्योंकि उस वीडियो पे मैंने डिटेल्स पे बताया था कि कैसे आप किलर को लूप करवा सकते हो। आई थिंक वो वाला वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, लिंक इज इन द पिन कमेंट। फिलहाल अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल पे नया आ चुके हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। फिलहाल मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय द वे, एंजॉय द गेम प्ले। Ugh!